ये दिनांक 17 नवंबर को ये घटना हुई थी थाना क्षेत्र विकास नगर में, जहां पर एक महिला के साथ चीन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस बाबत तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इसमें जो उस समय जो सुसंगत साक्ष्य थे उनको कलेक्ट किया गया, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली गई। उनके आधार पर दो व्यक्ति देखे जा रहे थे उसमें, और फिर बाद में मैनुअल सर्विलांस और प्लस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से जब हम लोगों ने इनको खंगाला तो दो व्यक्तियों की इसमें आज गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकरण में इन दो अभियुक्तों का नाम है शिवम रस्तोगी और सुमित वर्मा। ये शिवम रस्तोगी कैंपबेल रोड बालागंज का रहने वाला है और सुमित वर्मा भी बालागंज का रहने वाला है। इसमें ये इनका इन दोनों का ये दोनों पेशेवर अपराधी हैं, पेशेवर स्नैचर हैं और पूर्व में भी कई बार ये लोग अलग अलग थाना क्षेत्र से जेल जा चुके हैं, कभी पर्स स्नैचिंग के संबंध में, कभी चेन स्नैचिंग के संबंध में। और इसमें जो सुमित इसमें शिवम रस्तोगी है, इसने जनपद औरैया में इसने चेन स्नैचिंग किया था, जहां पर कि पुलिस मुठभेड़ में ये घायल हुआ था और फिर उसके बाद यहां पर इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इन दोनों अभियुक्तों के पास से जो चेन जो इन लोगों ने लूटी थी वो चेन भी पुलिस ने बरामद किया है। प्लस जिस बाइक से इन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, सुपर स्प्लेंडर रेड कलर की जो इसने सेकेंड हैंड खरीदी थी और जिसका नंबर प्लेट इन लोगों ने चेंज किया था, तो वो बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है। इन सभी माल के साथ इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा न्यायिक रिमांड के लिए। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, इन लोगों ने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की थी, क्या बैकग्राउंड है? ये जो शिवम रस्तोगी है ये ड्राइवरी का काम करता है, ये ड्राइवर है। और इसमें जो सुमित अवस्थी है, सुमित वर्मा उर्फ विष्णु, ये इलेक्ट्रिक की दुकान पर काम करता है। दोनों ही हाई स्कूल तक पढ़े हैं, मैट्रिक पास हैं। और हाल फिलहाल ये लोग कोई इस तरह की जॉब नहीं करते थे, जैसे मैंने बताया पार्ट टाइम नौकरी करते थे। एक इलेक्ट्रिक की शॉप पे काम करता था और एक ड्राइविंग का काम करता था। मेन पेशा इनका अपराध है और अपराध से ये लोग धन अर्जित करते थे और इससे इन लोगों की जीविका चल रही थी। ये लोग के साथ और भी कोई इनके साथ में? नहीं, फिलहाल जो फुटेजेस में और जो अभी जो इंटेलिजेंस जो हमारी है और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इन्हीं दोनों का नाम प्रकाश में आया है और इन्हीं दोनों का संलिप्तता पाई जा रही है। आगे यदि कोई अन्य व्यक्ति भी होंगे इस पूरी घटना में शामिल तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई सर, की क्या जाएगी। स्नेचिंग के दौरान ये लोग हथियार वगैरह का भी प्रयोग करते हैं? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। स्नैचिंग करते थे और स्नैचिंग करने के बाद ये लोग फिर कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाते थे और फिर पुनः ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। इसमें ये दोनों फाइली थे, कई सारी घटना इन्होंने साथ में किया। लगभग 8 घटनाओं में सुमित वर्मा और शिवम रस्तोगी इन लोगों ने साथ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। ये दोनों लंबे समय साथ में जेल भी रहे हैं और फिर उसके बाद जब ये जेल से निकल करके आए हैं तो पुनः इन्होंने अपराध के माध्यम से ही अपनी जीविका चला रहे थे। और अलग अलग स्थानों पर ये लोग सुनसान रास्तों पर जहाँ पर ये देखते थे कि कोई महिला अकेली है, वहां पर ये चेरी स्नैचिंग घटना को अंजाम देते। थैंक यू।